सो हेलो गाइस, वेलकम टू AZ गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं एक और बार क्लैश स्क्वाड रैंक एड। सब हमारी टीम ने देख काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं शायद, और हम भी तगड़े प्लेयर हैं। मुझे कहते हुए सही तो लग रहा है ये, आपको पता नहीं सही लग रहा है कि नहीं। चलो हम यहाँ पर पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं, बंदों का आने का इंतजार करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग को जहाँ पर ये बंदा गया है वहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर आएंगे बंदे, यहाँ पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसका कुछ नहीं कर पाया। इसने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा धोया था। यहाँ पर है मिस्टर मिस्टर किन फाइट लेते हुए, यहाँ पर अनूप भी फाइट लेते हुए। यहाँ पर अनूप की HP बहुत कम थी, इसलिए वो ख़त्म कर दिएगा। वहाँ पर मिस्टर किंग बहुत अच्छे से खेलते हुए, मिस्टर किंग ने एक और को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर मिस्टर किंग ने दो OP वाले हेड मारे। इस बंदे को भी पूरा ख़त्म करना चाहेंगे ये। यहाँ पर दो को नॉक कर दिया इन्हें, यहाँ पर पूरा ख़त्म भी कर दिया। 3 kills इन्होंने कर दिए हैं इतनी देर में। और आखिरी बंदा बचा है, 1v1 है दोनों का। देखते हैं क्या होता है, क्या ये आखिरी बंदे को मार पाएंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से आखिरी वाले बंदे को भी मार देंगे। ये रहा बंदा, शायद ही मार देंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत मारा इसको, यहाँ पर 2 हड्डियाँ साथ इसको भी ख़त्म। यहाँ पर इन्हें क्वार्टरी किल कर दिया। इसी बात पे इनको एक लाइक मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही तेज मैंने बोल दिया, माफ़ कर देना, बहुत तेज बोल दिया। खैर छोड़ो, हमने हमने ले लिया MP5 और एक Level 3 का मशरूम। फिलहाल के लिए मेरे पास बोलने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। चलिए, मेरा तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हम आगे जाते हैं और फाइट लेते हैं फिर से। पर हम लोग इस तरफ से जाएंगे, यहीं से बंदे आते हैं ज़्यादातर। देखते हैं, ये बंदे भी मेरे ख्याल से इसी तरफ से आएंगे। क्या ये गेम हम लोग पूजा निकाल पाएंगे? यहाँ पर एक बंदा हमको दिख चुका है ऑलरेडी। अब भाई ये मुक्का क्यों मार रहा है? हाँ, पर इसके पास और MP5। यहाँ पर इसको भी मैंने बहुत मारा था, लेकिन पीछे से एक और बंदा मार रहा था। ये बंदा मेरे को पूरा ख़त्म कर देगा। इसने मेरे को पूरा ख़त्म कर दिया। मैंने भी एक को नॉक कर रखा है। मेरा किल अभी तक तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन आखिरी बंदा जो बचा है पता नहीं है कहाँ पर है। आखिरी बंदा यहाँ पर रिवाइव कर रहा है उस बंदे को। यहाँ पर मेरे हिसाब से मारना चाहिए मिस्टर किंग को, मार नहीं रहे मिस्टर किंग। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मारा, 124 बॉडी मारा, लेकिन वो पहले से बंदा डैमेज था इसलिए वो पूरा ख़त्म हो गया। बहुत बढ़िया गेम प्ले अभी तक के जाता हुआ। एक बॉल ले लेते हैं, 5। अगर मैं ये अभी मैं भूल जाता सारी, अगर वॉलीबॉल लेता अगर मैं शायद हार सकता भाई। मेरे पास होते नहीं पैसे और मैं बिना गन के खेल रहा हूँ। यहाँ पर इस बंदे ने भी मुझे दे दिया एक MP5। हमारे पास है डबल MP5। हम लोग आगे जाना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक बॉल है, तो फिर उसको सोच समझ के हमें यूज़ करना पड़ेगा। बंदे दिख चुके हैं, इधर से आ रहा है। बहुत धोया उसको मैंने। इसके पास थॉमसन थी, इसने मेरे को मार दिया, नॉक कर दिया है। मेरे टीम में देखते हैं आते हैं मुझे रिवाइव करने के लिए। मेरे हिसाब से वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग बहुत दूर है मेरे से। फिर भी यहाँ पर अनूप भाई शायद आ रहा है मेरे पास मुझे रिवाइव देने के लिए, लेकिन तो देखते हैं अब क्या होता है। पर अनूप भाई भी गए, मिस्टर खान भी गए। सब इस बंदे ने बहुत अच्छा खेला।
चलो कोई ना, ये वाला राउंड तो गया, यहाँ पर एक और राउंड। इसकी 12 महीनों लगे नहीं गया एम एटीन एडियन सेवन, और एक लेवल 3 का मशरूम। हमारे हमें याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज की गन है एम एटीन एडियन सेवन, इसीलिए हमें आगे जा के फाइट लेने की सोचनी भी नहीं है। कि ऐसे सॉरी लॉन्ग में जाके हम लोग को फाइट लेने की सोचनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है M1887, वो लॉन्ग में इतना अच्छा वर्क नहीं करती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लॉन्ग में ना जाए। मैं USP से मार रहा हूँ ताकि वो नीचे आए बंदा, उसको ख़त्म करके मैं उसके बाद से गन ले सकूँ। चलो कोई भी बंदा नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक बंदा आ चुका है नीचे। ये बंदा हमको दिख भी चुका है, इसको मारा मैंने, बहुत मारा था लेकिन मेरे को हेडशॉट मार के ख़त्म कर दिया। क्या ये गेम मिस्टर किंग जिता सकते हैं? देखते हैं मिस्टर किंग क्या कर रहे हैं। मिस्टर किंग ये गेम जिता सकते हैं कि नहीं, अब पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से इनको आगे अभी चले आने चाहिए पीछे से, क्योंकि कोई भी मार सकता है इनको। यहाँ पर बंदे इन्हीं के पास आ रहे हैं, ये आया बंदा है, मारो। एक भी हेड नहीं लगा इस बंदे ने, क्वार्टरी किल निकाली, बहुत बड़ा खेल रहा ये बंदा अभी। अब हम लोग लेंगे M1887, एक MP5। चलो फाइट लेंगे अब हम लोग। वैसे हम लोग के पास वॉल नहीं है, फिर भी हम लोग आगे जाके फाइट लेने की सोचेंगे ये बार। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरे हिसाब से हम लोग को फ्लोर्स के पीछे खड़े होके बंदों का इंतजार करना चाहिए। इन बंदे मेरे ख्याल से यहीं पर आएंगे। यहाँ पर एक दो बंदा आए भी रहे, यहाँ पर एक बंदा आ चुका है। ये बंदा को नॉक कर दिया मैंने, इसको पूरा लेना चाहूँगा, इसको पूरा ले लिया हमने, इसको पूरा। क्या है चीज़ें हैं इसके बाद नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग को आगे लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं पीछे देख रहा था, इसीलिए बंदे ने पीछे से आके मार दिया मेरे को। कोई बात नहीं, मेरे टीम मेट्स के हिसाब से हमको रिवाइव कर लेंगे, रिवाइव कर देंगे लोग मेरे हिसाब से। हमको रिवाइव करने वाले अच्छे टीम मेट्स हैं, एक कनेक्ट चला गया शायद, कनेक्ट चला गया था मेरे हिसाब से, और वो एलिमिनेट हो गया था। बार हम लोग वॉल वेस्ट सब कुछ भर लेंगे पूरी तरीके से, सब कुछ ले लिया। हम लोग आगे जाते भी फाइट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख रहे हैं मशरूम का ढेर लगा दिया है, साथ में पैसे बर्बाद कर रहे हैं लोग। हम लोग को ढेर सारे पैसे बचाने नहीं चाहिए। ये बंदा भी खत्म, और मेरे टीममेट ने इस बंदे को मार दिया था। ये अलग हम लोग ने ऊपर तरीके से